हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के तीन मेथड के बारे में पढ़ा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई हो सकता है, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज हम कर चुके हैं, आइए वेटेड एवरेज को देखते हैं। सबसे पहले गुडविल कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब है फ्यूचर नंबर ऑफ ईयर्स, कि आने वाले इतने सालों तक हम इतना प्रॉफिट तो मेंटेन कर लेंगे। अगर ये हमारे पास 2 है तो 2 सालों तक हम इतना प्रॉफिट तो मेंटेन कर लेंगे। देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट एक मॉडिफाइड वर्जन है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। ये मेथड तब यूज होता है जब प्रॉफिट्स क्या शो करते हैं, ट्रेंड, या तो प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं हर साल या फिर प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं हर साल। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं, देखिए आपके पास क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन होंगे प्रॉफिट्स। मान के चलते हैं आपके पास 3 साल की इंफॉर्मेशन है, 2013, 2014 एंड 2015। ये आपको दे रखे हैं 10,000, ये आपको 15,000 और ये आपको दिए हैं 20,000। आपको क्या करना है इस मेथड के अंदर, प्रॉफिट्स को वेट असाइन कर देने हैं। तो वेट असाइन करने आपको इस तरीके से 1, 2, 3। देखिए, वेट असाइन करने का तरीका क्या है, जो आपका लेटेस्ट ईयर है, यहां पर लेटेस्ट ईयर हमारे पास क्या है, 2015, उसको आपने सबसे ज्यादा वेट देना है। सबसे ज्यादा वेट का मतलब यहां पर क्या है, हमने उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि यही प्रॉफिट मोर लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर, दिस प्रॉफिट इज मोर लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर, यही सबसे ज्यादा हो सकता है फ्यूचर के अंदर। अब देखो, उससे पिछले साल को हमने क्या किया, थोड़ा सा कम वेट दिया, और उससे पिछले साल को हमने थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दी। तो आपको वेट असाइन करने का तरीका पता चल गया, जो आपका लेटेस्ट ईयर है आपको उसमें क्या करना है, सबसे ज्यादा वेट असाइन करने। ठीक है, मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी बता देता हूं। इट इज समेशन ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट्स अपॉन में समेशन ऑफ वेट्स। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट इनटू वेट्स करके उसका टोटल निकालना है। तो हमारे पास नेक्स्ट टास्क रहेगा प्रॉफिट इनटू वेट्स, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये देखिए 10,000, ये हमारे पास आ गया 30,000 और ये हमारे पास आ गया 60,000। अब आपको क्या करना है, हमें क्या चाहिए, देखिए फॉर्मूले में आप देखिए हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट्स। तो आप यहां पर सिग्मा पीडब्ल्यू निकाल सकते हैं और इधर से आप सिग्मा डब्ल्यू निकाल सकते हैं। तो ये टोटल करके हमारे पास आता है 1,00,000 और ये हमारे पास आता है 6। तो हमारे पास 1,00,000 डिवाइड बाय 6, तो ये हमारा 166.6, ये हमारा क्या हो गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है, यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है। लेट से हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, तो आपकी गुडविल आ जाएगी, तो ये हमारी गुडविल आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है एक्चुअल प्रॉफिट्स, हमने इन्हीं को ही अभी वेट्स दे दिए, लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन हो सकती हैं, एडजस्टमेंट्स। तो हमें एडजस्टमेंट करने के बाद फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने पड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर किया, प्रॉफिट्स को कन्वर्ट कर दिया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स में। ठीक है, तो एडजस्टमेंट कौन कौन सी हमारे पास हो सकती है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, अगर कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस है, एबनॉर्मल एक्सपेंस डेट has incurred in past, देखिए अगर कोई abnormal expense का मतलब है जो normally नहीं होता, ठीक है, तो वो incur हो चुका है past के अंदर। आपको कभी भी adjustment करनी है तो आपने effect देखना है profit के ऊपर। अगर इसका effect profit के ऊपर जो पड़ रहा है उससे उल्टा कर देना आपने, जैसे abnormal expense हुआ किसी साल, मान के चलते हैं 2014 के अंदर हमारी फॉर्म के अंदर आग लग गई या चोरी हो गई, तो उससे क्या होगा, 2014 का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा या बढ़ गया होगा, ऑब्वियसली उस साल का प्रॉफिट हमारा क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो प्रॉफिट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा, क्या पड़ा कि इसने प्रॉफिट को कम कर दिया। तो हमें इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट को बढ़ा देना है। अगर कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस है जो पास्ट में इनकर हो चुका है और फ्यूचर में नहीं होगा, तो हम फ्यूचर में प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं, इसने अभी तो प्रॉफिट कम कर दिया इसलिए हम इस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। सेकंड एडजस्टमेंट है कि इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल इनकम डेट इज अर्नड इन पास्ट,
अगर आपने कोई एबनॉर्मल इनकम कमाई है पास्ट में, लेट से 2013 में हमारी लॉटरी लग गई, ठीक है, और हमें एबनॉर्मल इनकम हुई है, तो इसने प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, इसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, तो आप इसको उस साल के प्रॉफिट में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि आप इसको फ्यूचर में मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। एक और चीज है हमारे पास, ये हमारी फर्स्ट हो सकती है, ये सेकंड, और हमारे पास जो थर्ड चीज है वो है एनी एक्सपेंस डेट विल बी इनकर्ड इन फ्यूचर। अगर कोई एक्सपेंस है जो आप फ्यूचर में इनकर करोगे लेकिन अभी नहीं कर रहे, तो फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट्स बताओ कम आएंगे कि ज्यादा आएंगे, फ्यूचर में कम आएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट्स में से उन एक्सपेंस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट्स के अंदर एडजस्टमेंट करनी है। अभी इन एडजस्टमेंट को और अच्छे से समझते हैं, आइए हम करते हैं एक सैंपल क्वेश्चन, पढ़ते हैं। मनबीर एंड निमृत आर पार्टनर्स एंड दे एडमिट अनाहत इन टू पार्टनरशिप। इट वॉज एग्रेड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टेकिंग प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years एंड वेट्स असाइन टू ईच ईयर एज 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 to 2019। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें गुडविल निकालनी है, और गुडविल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इनटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3, और आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं ऑन द बेसिस ऑफ 5 year प्रॉफिट्स। तो अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे हमारे, हमारे पास इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स अपॉन में समेशन ऑफ वेट्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर प्रॉफिट्स लिख लेने पिछले 5 साल के, तो प्रॉफिट्स हमारे पास दे रखे हैं, देखिए द प्रॉफिट्स ऑफ दीज इयर्स आर 70,000, आपको 2015 से 2019 तक का दिया इंफॉर्मेशन, 2015, 16, 17, 18 एंड 2019, तो ये आपको दिए हुए हैं 70,000, ये है आपके पास 1,40,000, और ये आपके पास दिया हुआ है 1,60,000 एंड 1,65,000। अब आपको क्या करना है, इनको वेट्स दे देने, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में नीचे क्या दी हुई है, एडजस्टमेंट्स, तो हमें एडजस्टमेंट करके निकालने पड़ेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, और वेट्स किनको देंगे, हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को वेट्स देंगे। अब देखिए एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 के अंदर एक एबनॉर्मल लॉस हुआ। अब लॉस से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा होगा, प्रॉफिट उस साल का क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, तो हम एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि देखिए मैं इतना प्रॉफिट फ्यूचर में मेंटेन कर सकता हूं, 20,000 का नुकसान तो हुआ, ये हर साल थोड़ी होगा, फ्यूचर में थोड़ी होगा, तो फ्यूचर में मैं मेंटेन कर सकता हूं इसको, तो 20,000 मुझे यहां पर क्या कर देना है, एड कर देना है। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि एडजस्टमेंट का जो प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ रहा है उसका उल्टा कर देना आपने। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, देयर वॉज एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 30,000 इन द ईयर 2016, यहां पर हमारे पास क्या हुआ है, एक एबनॉर्मल गेन हुआ है, कोई ऐसी इनकम हुई है जो फ्यूचर में नहीं होगी, पास्ट में होगी है, तो इससे इस साल के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा होगा, इस साल का प्रॉफिट हमारा हाइक कर गया होगा, हमारा बढ़ गया होगा, तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे 30,000, क्योंकि हम ये इनकम फ्यूचर में मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों एडजस्टमेंट समझ आई आपको। अब हमारे पास थर्ड एडजस्टमेंट दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज ओवरवैल्यूड बाय 10,000। इसको समझते हैं, देखिए ये मैं आपके पास एक टाइमलाइन बना रहा हूं, 31 मार्च 2018, और ये हमारे पास हो गया 31 मार्च 2019, ठीक है, ये 2018 एंड हुआ, और ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019, ये हमारा एक साल है और ये हमारे पास दूसरा साल है। अब मुझे एक बात बताइए कि जो यहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर हमारा 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो एक बात ध्यान से चलना है आपने कि आपने 2018 का क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दिया है, ओवरवैल्यू कर दिया, मतलब ज्यादा कर दिया, तो इससे अगले साल जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी आपने क्या कर दिया होगा, ऑब्वियसली
ज्यादा कर दिया होगा तो इसका दो साल पे इफेक्ट पड़ेगा, एक तो पड़ेगा 31 मार्च 2018 पे और दूसरा पड़ेगा 31 मार्च 2019 पर, ठीक है। 18 पे क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया और 19 में क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया। तो अब इसको समझते हैं, देखिए अब मुझे एक बात बताइए कि ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आप कहां पर शो करते हैं, डेबिट साइड शो करते हैं या क्रेडिट साइड? 11th में याद कीजिए आपने क्लोजिंग स्टॉक कहां पर शो किया था, आपने क्रेडिट साइड शो किया था, ठीक है। तो क्रेडिट साइड क्या शो होती है हमारी, सारी की सारी इनकम शो होती है और आपने इनकम को कितने से बढ़ा दिया, 10,000 से बढ़ा दिया, क्लोजिंग स्टॉक को आपने 10,000 से बढ़ा रखा है। तो मुझे बताओ कि आपके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा होगा, ये 2018 की बात कर रहा हूं मैं, तो 2018 में क्या इंपैक्ट पड़ा होगा, इससे हमारा प्रॉफिट भी, हमने इनकम बढ़ा दी 10,000 से, क्रेडिट साइड बढ़ा दी, तो हमारा प्रॉफिट भी 2018 का 10,000 से बढ़ा होगा, जो कि गलत है। तो हम क्या कर देंगे, 2018 के प्रॉफिट में से 10,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2019 की, ठीक है। 2019 में हमारा क्या बना होगा, ट्रेडिंग बना होगा और जो 18 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2019 का क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है, ये आता है डेबिट साइड, ठीक है। और आपने ओपनिंग स्टॉक भी क्या कर दिया होगा, 10,000 से बढ़ा के दिखाया होगा। और डेबिट साइड आते हैं एक्सपेंसेस, 2019 का क्या बढ़ गया, एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो एक्सपेंसेस बढ़ गए तो 2019 का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, 10,000 से बढ़ा देंगे। अब आपको निकाल लेने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ये हमारे पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आ गए, हम इनको देंगे वेट्स और हमारे पास आ जाएंगे प्रॉफिट इनटू वेट्स। तो वेट कैसे देने, आपने 1, 2, 3, 4, 5 जो आपका लेटेस्ट ईयर है आपको उसको सबसे ज्यादा वेट देने हैं और उससे पिछले वाले को कम, ऐसे ऐसे करना आपको। अब यहां पर आप निकाल लीजिए प्रॉफिट इनटू वेट्स, अब इनका कुछ काम नहीं है, अब ये हमारे पास प्रॉफिट है तो आप निकाल ले 90,000, ये हमारे पास आ गया 2,20,000 और ये हमारे पास आ गया 3,00,000, 1,50,000 इंटू 4 ये हमारे पास हो गया 6,00,000 और 1,75,000, 1,75,000 इंटू 5 ये हमारे पास हो गया 8,75,000। अब आपको क्या करना है, इनका टोटल कर लेना है, सिग्मा प्रॉफिट इंटू वेट्स एंड सिग्मा वेट्स। तो टोटल कर लेते हैं हम, 90,000 प्लस 2,20,000 प्लस 3,00,000 प्लस 6,00,000 प्लस 8,75,000, तो ये हमारे पास आ गया 20,85,000। अब इनका टोटल कर लेते हैं, 3 and 3, 6 और 4, 10, 15 हो गया ये हमारे पास। अब यहां पर आप लिख लीजिए, आपके सिग्मा प्रॉफिट इनटू वेट्स हैं 20,85,000 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,39,000। तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गए। अब आपको क्या कर देना है, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,17,000, ये हमारे पास गुडविल का अमाउंट आ गया, इस फॉर्म की गुडविल है 4,17,000। हेलो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।